दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के एक और ट्वीट से सियासी पारा चढ़ गया है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। इस ट्वीट पर बीजेपी ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता पीसी वर्मा ने भी लक्ष्मण सिंह का समर्थन किया। दरअसल कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ट्वीट के जरिए पार्टी में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने एक लिंक शेयर करते हुए ट्वीट किया, संगठन के इस महत्वपूर्ण चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, हम कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे जीतेंगे। यूथ कांग्रेस चुनाव में नया विवाद, 20 लाख वोट पड़े, 8 लाख की गिनती 12 लाख रिजेक्ट किए, मैनुअल री ऑडिट की डिमांड। लक्ष्मण सिंह की इस मांग को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा का समर्थन मिला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि संगठन के चुनाव में और पारदर्शिता होनी चाहिए, अभी भी पारदर्शिता है लेकिन और ज्यादा पारदर्शिता हो तो क्या दिक्कत है। हालांकि लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी की ओर से कहा गया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस के कुछ चुनिंदा नेता लिस्ट फाइनल कर देते हैं, चुनाव सिर्फ एक दिखावा है। इसके बाद अब प्रदेश राजनीति में एक बार फिर बवाल मच गया है। आपको बता दें, हाल ही में कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर मचे बवाल के बीच लक्ष्मण सिंह बजरंग दल का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल कभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं रहा, देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA ने भी कभी बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं कही, ऐसे में इसे बैन करने का सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।